हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। हम सभी पैक्ड नमकीन मार्केट से लेकर आते हैं, ये जानते हुए भी कि वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ये भी नहीं पता होता कि उसमें कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट है, उसमें क्या मसाले यूज्ड हैं, कितने स्टेबलाइजर्स हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊँ जिसको ईजिली फॉलो करते हुए आप बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट ला सकें, तो आप एक बार उस रेसिपी को जरूर बनाना चाहेंगे, जहाँ पे आपको टेस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और आपको पता होगा कि आपने उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुरमुरे पोहे नमकीन। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये नमकीन बहुत हेल्दी है, नॉन फ्राइड है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं डालूंगी ये पोहा। ये पतला वाला पोहा है, आप देख सकते हैं। एक ये थिन पोहा आता है मार्केट में, ये थिन पोहा मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। जिससे हम पोहा बनाते हैं ये वो पोहा नहीं है, वो मोटा पोहा होता है और उसको फ्राई करने की ज़रूरत होती है। ये थिन पोहा है, इसको हम बस ड्राई रोस्ट करेंगे बिना ऑयल के और ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये पोहा लिया है और इसको मैं स्लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करूँगी। ये नमकीन जब आप बनाएंगे तब तो आपको लगेगा कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम ले रही है, बट आप यकीन मानिए इसको एक महीने तक स्टोर करके आप इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। इसमें हम जो भी चीज़ डाल रहे हैं वो बहुत हेल्दी हैं। पोहा जैसे कि आपको पता ही है बहुत इजीली टू डाइजेस्ट होता है, हमें बहुत एनर्जी देता है। तो इसको हम करीब 5 मिनट लगेंगे, इसको हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हार्डली अभी बस 3 से 4 मिनट हुए हैं और इसको आप देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा इसके जो एजेस हैं ये भी बहुत गर्म है, इसके एजेस ऐसे राउंड होने शुरू हो जाएंगे और जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्रिस्पी होगी। आवाज़ आ रही है, तो हम इसको निकाल लेंगे बाउल में। इसी कढ़ाई में हम अपने मुरमुरे, जिसको लोग परमल भी बोलते हैं, लैया भी बोलते हैं, इसको हम डालेंगे और इसको भी हम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे बिना किसी तेल के, बिना ऑयल के। इसको भी हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे भुनने के लिए, इसको भी हमें क्रिस्पी होने तक भूनना है। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि हमारे ये अच्छे से क्रिस्पी रोस्ट हो गए हैं। थोड़ा सा बस पेशेंस चाहिए और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नमकीन बनेगी। ये हमारे रोस्ट हो गए हैं, इनको भी हम अपने बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे बस मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। यहाँ पे अभी हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, अब मैं इसमें डालूँगी मूंगफली और चने। इनको मैं ड्राई इसमें रोस्ट करूंगी बहुत कम तेल में। अगर आपको ये भुने हुए मिल जाते हैं बाज़ार से तो आप वो भी ले सकते हैं, तो आपको भुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीनट्स हमें पता है फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच होती है, पहले हम पीनट्स को भून लेंगे। इसी टाइम पे मैं चने भी डाल दूंगी। इसमें कुछ छिक्कल वाले भी चने हैं और कुछ बिना छिक्कल वाले हैं। अगर आपको छिक्कल नहीं पसंद है तो आप उसके रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास चने नहीं हैं, कई बार होता है घर में चने अवेलेबल नहीं हैं, तो आप यहाँ पे चना दाल भी रोस्ट कर सकते हैं। ये नमकीन चाय के साथ या शाम को जब छोटी सी भूख लगती है ना, जब बच्चे कहते हैं कि कुछ थोड़ी सी भूख लगी है, तब आप इसको दे सकते हैं, जिसमें हमें सारे ही नट्स, मूंगफली, चना, मुरमुरे बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत हेल्दी भी है। अगेन इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक हमारे ये मूंगफली और चने अच्छे से भुन ना जाएं। इनको भुनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इनको जब आप निकालें तो आप इसके ऊपर निकालें, जिससे कि जो भी, वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा तेल डाला नहीं है, बट जो भी ऑयल हो वो इसमें निकल आए। और अगर आप कोकोनट ऑयल खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है ऑयल्स में, तो आप उसमें भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। अपने कढ़ाई में कोई मैंने ऑयल नहीं डाला है, जो पहले का है। इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम और काजू। ड्राई फ्रूट्स पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नमकीन में, और मेरी फैमिली में भी लाइक करे जाते हैं।
अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नमकीन में ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं या नहीं। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट्स पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हमारे नट्स भुन गए हैं अच्छे से, अब मैं इसमें किशमिश डाल दूँगी। किशमिश को हमें ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इसको एक मिनट के लिए चलाएंगे। हमेशा जब भी आप किशमिश किसी भी चीज़ में डालते हैं तो सबसे एंड में डालनी चाहिए, क्योंकि वो मीठी होती है तो उसकी वजह से वो कैरमलाइज जल्दी होती है। बस हम एक मिनट तक चलाएंगे। ये भुन गए हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। अपने यहाँ पे सिर्फ एक टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ करी लीव्स या फिर कड़ी पत्ता। ये मेरे पास ड्राई करे हुए हैं, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से भुनने देंगे, बट अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप ध्यान रखें कि वो अच्छे से रोस्ट हो जाएं, क्योंकि अगर उसमें ज़रा भी मॉइस्चर रहेगा तो फिर वो नमकीन ख़राब हो सकती है। तो मैं हमेशा नमकीन में प्रेफर करती हूँ कि मैंने जिनको सुखा के करी लीव्स को रखा हुआ है, मैं उन्हीं को प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। यहाँ पे मैं डालूँगी नारियल, ये भी ऑप्शनल है। एक्चुअली इसमें सभी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपका जो मन करे, आपकी जो लाइक्स हैं, प्रेफरेंसेज हैं आपकी फ़ैमिली की, आप वो इसमें डाल सकते हैं। बट कोकोनट डालने से एक मीठा सा च्यूई सा फ्लेवर आता है इसमें, नमकीन में एक टेक्सचर आता है च्यूइंग वाला, जो कि हमें देखने को मिलता है जब भी हम कभी चिवड़ा मिक्स खाते हैं, तो उसमें हमें हमेशा मिलता है देखने के लिए नमकीनों में। तो यहाँ पे मैं इसलिए इसको डाल रही हूँ। इसको हम हल्का सा बस भूनेंगे। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो आप उसको फ्राई करने के बाद ही इसमें डालें। फ्रेंड्स, आपकी अगर कभी भी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप बिना हेजिटेट करें कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगी आपकी हर क्वेरीज हर कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। बस एक से डेढ़ मिनट लगा है हमारे, आप देख सकते हैं कोकोनट को मैंने बहुत पतला पतला चॉप किया है, तो ये अच्छे से आप देख सकते हैं ये भुन गए हैं अच्छे से। ये देखिए लाइट ब्राउन कलर के हो गए, इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून ऑयल लिया है। अब हमें नमकीन को एक अच्छा सा कलर देना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च। अब मैं डालूँगी हमने जो जो चीज़ें रोस्ट करी थी और जो सबको हम एक एक करके इसमें डालेंगे, और अब हम करेंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने घर पे बूंदी बनाई है, ये मैं बूंदी भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बाज़ार वाली है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और अगर आपको इस बूंदी की रेसिपी देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान है इसको बनाना। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नायलॉन सेव, बस एक यही चीज़ है जो बाज़ार की है। मैं डालूँगी इसमें नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला हाफ टी स्पून। यहाँ पे मैंने चीनी को पीस लिया है मिक्सर में, तो ये पाउडर्ड शुगर है, मैं इसको यहाँ पे डालूँगी। ये नमकीन थोड़ी सी नमकीन और थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। अगर आपको मीठा टेस्ट नहीं पसंद है नमकीन में तो आप इसको कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। अब बस हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप इस तरह से लिड लगा करके इसको अच्छे से शेक कर सकते हैं। अभी भी मेरी गैस की फ्लेम जो है वो ऑन है। मैंने इसलिए ऑन रखी है क्योंकि जो हमने चीनी डाली है वो अच्छे से सबके साथ कंबाइन हो जाए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ डाल रहे हैं उसको अच्छे से चलाते हुए रोस्ट करना है हर इंग्रेडिएंट को, और फिर हमें बिल्कुल एंड में मिक्स करना है। और जब भी हम इस नमकीन को स्टोर करेंगे तो इसको हमें कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आने देना है पहले, और फिर इसको एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना है। देखिए ये हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, कहीं येलो कहीं वाइट, फुल ऑफ नट्स ड्राई फ्रूट्स। इसमें जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो आप अवॉइड कर सकते हैं।
मसाले भी आप अपने हिसाब से, काली मिर्च अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके फैमिली को ये रेसिपी, ये नमकीन कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ।